फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, फिट होंगे और आप सब की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोगों को, ज़्यादातर बच्चों को ये पता होगा कि अब सारे ही एग्ज़ाम की डेट आ गई है, UPTGT PGT की भी, LT की भी और DSSSB का तो एग्ज़ाम अभी जुलाई में ही है। तो आप सब लोग तैयारी करते रहिए। मैंने जो आज ये वीडियो लेके आई हूँ मैं, ये इसमें फिर से 50 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसके 50 क्वेश्चन पार्ट वन में हम सॉल्व कर चुके हैं और जो भी बच्चे जिन्होंने मेरा ये वीडियो नहीं देखा, इसका पार्ट वन भी आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। 50 क्वेश्चन जो मैंने पहले कराए थे वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, और अब जो आज मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर मैंने पहले भी आपको बताया है कि इंग्लिश में था और ये चंडीगढ़ का TGT का पेपर है। इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं आप लोग के लिए एक प्रैक्टिस की तरह आपके लिए लेके आई हूँ। इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में रिपीट भी हो जाते हैं, तो हम अपनी प्रैक्टिस के लिए इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे। सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन है हमारा, असेंबलेज इज यूजली मेड आउट ऑफ। असेंबलेज मीन्स होता है संकलन, ठीक है। संकलन मोस्टली किस चीज़ से, मतलब विशेष रूप से किस तरीके का होता है या किस से बनाया जाता है? आप मेड आउट ऑफ इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है स्क्रैप, सेकंड नंबर पे है ब्रास, थर्ड पे है स्टोन और फोर्थ नंबर पे है वुड। इसको पहले हम असेंबलेज को समझ लेते हैं। ये बेसिकली एक प्रकार की आर्ट फॉर्म होता है, मतलब 3D और 2D दोनों होता है, और एक तरीके से आप समझ लीजिए जैसे कोलाज की का रूप भी इसे कह सकते हैं, असेंबलेज को, ठीक है। इस पर बहुत सारा काम हुआ है, यूरोपियन आर्टिस्ट ने बहुत सारा काम किया है। तो इसमें क्या होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, वेस्ट चीज़ें होती हैं, उनसे लेके हम, तो यहाँ पे राइट आंसर हम लगा लेते हैं। इसका राइट आंसर है हमारा स्क्रैप। स्क्रैप मीन्स होता है ऐसे बेकार पड़ी हुई चीजें या रद्दी, इस टाइप से जो होता है वेस्ट मटेरियल होता है उसको बोलते हैं स्क्रैप, ठीक है। मैं इसका एग्जांपल भी आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये रॉबर्ट रोसनबर्ग की है राइम, यूरोपियन आर्टिस्ट ने इस पे बहुत काम किया है, ठीक है। इसमें अलग अलग तरीके से काम होता है, जैसे ये देखिए, ये वेस्ट से यूज करके इसको बनाया गया है, असेंबलेज बोलते हैं इसे, ठीक है। ये देखिए, तो ये 2D और 3D हर तरीके का होता है, ओके। फिर चलते हैं, 52 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द टर्म हैप्टिक वॉज कॉइन्ड बाई। हैप्टिक शब्द जो है किसके द्वारा, मतलब किसने इसकी वो करी थी संकल्पना, ठीक है। तो हैप्टिक मीन्स हम आपको बता दें, हैप्टिक मतलब होता है सेंस ऑफ टच या मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है हमारा हर्बर्ट रीड, ठीक है। हर्बर्ट रीड का ये कॉन्सेप्ट था टर्म ऑफ हैप्टिक, टर्म हैप्टिक, ठीक है। 53 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द वर्ड स्थाई, स्थाई इन एस्थेटिक्स मीन्स। स्थाई को सौंदर्य शास्त्र के अर्थ से क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? तो फर्स्ट नंबर पे है इमोबाइल, सेकंड में है अगली, थर्ड में है डिसप्रोपोर्शनेट और फोर्थ में है ऑब्सक्योर, ठीक है। तो स्थाई मतलब होता है स्थिर, अधिक समय तक रहने वाला। एस्थेटिक मीन्स आपने पढ़ा होगा, जैसे रसों के बारे, रस में पढ़ा होगा, जो भाव होते हैं स्थाई भाव, ठीक है। तो उससे मतलब है यहाँ पे, तो इमोबाइल, स्थाई का मतलब होता है इमोबाइल यानी अचलित, स्थिर। तो फर्स्ट नंबर का हो गया यहाँ पे राइट। फिर 54 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, राफेल कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स, ठीक है। राफेल कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स, जो राफेल आर्टिस्ट थे उन्होंने किस पीरियड में काम दिया था? अलग अलग पीरियड्स दिए हैं और इसमें पूछा गया है। मैंने आपको उस बार भी बोला था, पिछले वीडियो में भी, कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं इसलिए एक एक क्वेश्चन को हिंदी में पूरा रिपीट कर रही हूँ, और कहीं पे भी मैंने इसीलिए टिक भी नहीं किया है। अगर आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है तो आप वीडियो पॉज करके आप अपना निशान भी लगा सकते हैं और आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो राफेल कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स, इसमें फर्स्ट है हाई रिनेसा, सेकेंड है रोकोको, थर्ड
थर्ड है हमारा बारोक और फोर्थ है मैनरिज्म। ठीक है, तो ये सभी को पता होगा आई थिंक कि हाई रिनेसा में तीन फेमस आर्टिस्ट थे, माइकल एंजिलो, रैफेल, लियोनार्डो दा विंची। ठीक, तो इसमें फर्स्ट वाला हो गया इसका राइट आंसर, हाई रिनेसा। ठीक है, 55 नंबर का पढ़ते हैं, गुप्ता टेम्पल्स आर एट महाबलीपुरम, एलोरा, हम्पी, देवगढ़। एक बात और बताते हैं, जो ये इंडियन टेम्पल स्तूप और आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, जो मुगल काल में जितने आर्किटेक्चर बने थे, इन सब के क्वेश्चन हमारे यूपी टीजीटी के बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यूपी टीजीटी में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये पेपर ऐसा होता है कि जैसे टेम्पल्स के बारे में पूछ लिया, उसकी शैली पूछ ली, और किस टेम्पल में कौन सी शैली है ऐसे पूछता है, या अलग अलग नाम दे देता है, फिर पूछता है कि उसमें कौन सी शैली है इस टेम्पल की। तो ये बहुत तरीके से घुमा के ये वाले क्वेश्चन आते हैं, तो हमें टेम्पल पे अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, जो इसमें अब गुप्त टेम्पल के बारे में मैं बताऊं, तो इसमें राइट आंसर है हमारा देवगढ़। ठीक है, देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, 6ठी शताब्दी का था ये, और ये एक बार ये भी पूछा जाता है कि जो ये देवगढ़ में दशावतार मंदिर है, तो अब जैसे यहाँ पे दशावतार नहीं दिया है, कई बार ये पूछता है कि दशावतार मंदिर कहाँ पर है, या पूछेगा कि दशावतार मंदिर किस काल में बना था, किस शताब्दी में बना था, किस देवता को समर्पित है, तो ऐसे इसके अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, या किस स्टाइल में बनाया है। जैसे आपको पता होगा मंदिर का जो आर्किटेक्चर होता है वो, उसकी थ्री बेसिकली थ्री स्टाइल्स होती हैं, नागर होती है, द्रविड़ होती है और वेसर होती है। ठीक है, तो जो हमारा ये देवगढ़ में दशावतार टेम्पल है वो हमारा किस शैली में है, वो हमारा है नागर शैली में। उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं सब क्या है, नागर शैली के हैं। और उसमें क्या होता है कि जैसे कि एक ऊंचे चबूतरे के ऊपर से मंदिर की शुरुआत होती है, मेन डिफरेंस ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोग लगा लीजिए, राइट आंसर है इसका हमारा देवगढ़। ठीक है, ये देखिए देवगढ़ टेम्पल का, ये देखिए चारों तरफ इसमें चबूतरा होता है, इसके बाद शुरुआत होती है मंदिर की। ठीक, अलग अलग इसमें चीजें भी कई बार पूछी जाती हैं, जैसे मैं ये दिखाऊं आपको। ठीक है, इसमें देखिए मंदिर ये वहाँ का है खजुराहो का, ये नागर स्टाइल में टेम्पल है, और इसके बारे में पूछा जाता है, जैसे इसमें देखिए ये थोड़ी सी पिक्चर कट गई है, सॉरी, पर इसमें जैसे मैं अभी आपको दो तीन चीजें बता दूँ, ये नागर स्टाइल में टेम्पल है खजुराहो का। ठीक है, ये इसमें कई बार पूछा जाता है, तो आपको मैं बस एक इसलिए बता दे रही हूँ कि जैसे हॉल पूछता है, मंडप पूछता है, अर्ध मंडप पूछता है, या ये पूछेगा कि गर्भगृह, जगती, ये सब किस मंदिर के प्रकार हैं, शिखर होता है किस मंदिर में, या आमलक होता है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। सॉरी, ये पिक्चर थोड़ी कट गई है। फिर नेक्स्ट है हमारा 56 नंबर का क्वेश्चन, द सोर टेम्पल इज एट, सोर टेम्पल कहाँ पर स्थित है। सोर टेम्पल के लिए पूछा गया है, सोर टेम्पल कहाँ पर स्थित है, महाबलीपुरम, एलोरा, हम्पी और देवगढ़। ठीक है, तो सोर टेम्पल पता होगा मोस्टली लोगों का, दक्षिण भारत का टेम्पल है ये, और ये कहाँ पे है हमारा, महाबलीपुरम में, चेन्नई में। ठीक है, और ये है हमारा लगभग 8वीं सदी का, और ये टेम्पल जो है हमारा वो ग्रेनाइट से बना हुआ है, ब्लॉक ब्लॉक ग्रेनाइट के ब्लॉक से बना हुआ है। इसकी पिक्चर हम देखते हैं, ये देखिए ये है हमारा महाबलीपुरम का शोर टेम्पल। ठीक है, और ये जो दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं वो सब द्रविड़ शैली में है, द्रविड़ स्टाइल में है, और इसमें क्या होता है, डायरेक्ट मतलब मंदिर की जो शुरुआत होती है वो नीचे से, इसमें आसपास चारों तरफ चबूतरा नहीं बना होता है, और एक के पिलर के ऊपर जैसे कि पिरामिड नुमा आकार में ये बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा द्रविड़ स्टाइल में, बेसिकली जितने भी दक्षिण भारत के वो हैं मंदिर हैं वो सब हमारे द्रविड़ स्टाइल में है, और ये सोर टेम्पल के बारे में भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये है हमारा कहाँ पे, महाबलीपुरम में। अगर महाबलीपुरम की जगह यहाँ ऑप्शन में चेन्नई भी होगा
तो भी आप ऑप्शन लगा सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर वाला हमारा सही हो गया। 57 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द वाहना ऑफ गॉडेस लक्ष्मी इज। आई थिंक ये आंसर सभी को पता होगा, जो लक्ष्मी जी हैं उनका वाहन कौन सा है। एन आउल, माउस, एन एलिगेटर, आई स्नैक। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर वाला सभी को पता है आउल है। ठीक है, 58 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, श्रवण बेलगोला इज एट। श्रवण बेलगोला कहाँ पे है, पटना, सेकंड ग्वालियर, मैसूर और हरियाणा। ठीक है, तो श्रवण बेलगोला है हमारा जैन धर्मों का, जैन जो समुदाय है उसका मतलब धार्मिक स्थल है ये। और यहाँ की फेमस चीज क्या है, यहाँ पे लॉर्ड गोमतेश्वर जो उनके हैं जैन समुदाय के फेमस, उनकी ना बहुत ही ऊंची प्रतिमा बनी हुई है, लगभग 10 मीटर ऊंची है। और इसके बारे में भी कई बार पूछता है कि ये किसने बनवाई थी, तो ये बनवाई थी 981 ईस्वी में चामुंड राय ने। ठीक है, श्रवण बेलगोला में फेमस है जो गोमतेश्वर की मूर्ति, वो किसने बनवाई थी, चामुंड राय ने। तो इसमें ये थर्ड वाला हो गया हमारा सही। फिर चलते हैं 59 नंबर पे। 59 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, लिंगराज टेम्पल। ठीक है, लिंगराज टेम्पल इज एट। देखिए टेम्पल के क्वेश्चन इसमें भी बहुत सारे हैं, टेम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन। महाबलीपुरम, एलोरा, हम्पी, फोर्थ है भुवनेश्वर। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिंगराज टेम्पल है ये है हमारा भुवनेश्वर में, और इसके लिए भी कई बार पूछा जाता है, तो आप लिख सकते हैं ये भी है हमारा नागर स्टाइल में, ठीक, भुवनेश्वर में है। फिर 60 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, महेश मूर्ति स्कल्पचर इज एट। महेश मूर्ति का जो स्कल्पचर है ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, एलिफेंटा, एलोरा, हम्पी, देवगढ़। ये भी इजी क्वेश्चन है, बहुत से लोगों को पता होगा, तो ये हमारा है एलिफेंटा गुफा से। ठीक है, और ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र। फिर है 61 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बारबरा हिल्स आर नोन एज। ठीक है, लोमस ऋषि केव, म्यूरल पेंटिंग्स, जैन टेम्पल्स और स्तूप। ठीक है, बारबरा हिल्स को किस नाम से जानते हैं, तो इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि ये जो हिल्स हैं ये हमारी हैं बिहार में। ठीक है, सुल्तानपुर बिहार में, और किस काल की है, मौर्य काल में, अशोक के समय की, लगभग 3री सदी की। ठीक है, और इसी के बाएं तरफ भी बनी है हमारी सुदामा गुफा। तो कई बार सुदामा गुफा के लिए भी पूछ लिया जाता है, तो जो ये हिल्स बार्बर हिल्स हैं किसके लिए जानी जाती है, लोमस ऋषि गुफाओं के लिए। ठीक है, अगर ऐसे भी आता है कि लोमस ऋषि गुफाएं किसके काल में बनी थी, तो ये अशोक के काल में यानी मौर्य काल में। तो फर्स्ट नंबर वाला हो गया हमारा यहाँ राइट। फिर 62 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सांची इज नोन फॉर। ठीक है, म्यूरल पेंटिंग्स, जैन टेम्पल्स, बुद्धिस्ट स्तूप और मोनोलिथिक टेम्पल्स। तो ये भी आई थिंक बहुत से बच्चों को ये पता होगा कि जो हमारा सांची का है, सांची मध्य प्रदेश में, तो ये हमारे बुद्धिस्ट स्तूप के लिए जाना जाता है। तो थर्ड वाला हो गया हमारा यहाँ पे राइट आंसर। 63 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, लौरिया नंदनगढ़ इज नोन फॉर। लौरिया नंदनगढ़ इज नोन फॉर लॉयन कैपिटल, वराह अवतार स्कल्पचर, स्तूपा और केव पेंटिंग्स। ठीक है, तो लौरिया नंदनगढ़ ये हमारा किस लिए फेमस है, ये है हमारा फर्स्ट वाला हो गया लॉयन कैपिटल। ठीक है, ये भी बिहार में है, और यहाँ पे जो है पिलर ऑफ अशोक बहुत फेमस है। ठीक है, मौर्य काल का ये देखिए, ठीक, ये भी बिहार में है, अगर ऐसे भी आता है तो लौरिया नंदनगढ़। फिर है 64 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, नेम ऑफ गौतम बुद्धास मदर वॉस। गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था, फर्स्ट वन है माया, सेकंड है सुजाता, थर्ड है दिव्या और फोर्थ है मेनका। ठीक है, तो ये भी अजंता में, आप लोगों ने अजंता एलोरा की जो गुफाएं पढ़ी हैं उसमें पढ़ा होगा, जो ये माया देवी का स्वप्न एक फेमस अजंता में है माया। ठीक है, फर्स्ट वन हो गया इसका राइट आंसर माया। फिर है 65 नंबर का क्वेश्चन, द लेडी हु ऑफर्ड पायसम टू स्टार्विंग सिद्धार्थ वास। पायसम मीन्स होता है खीर। ठीक है,
किस मतलब लेडी ने पायसम ऑफर किया था, खीर ऑफर किया था सिद्धार्थ को? ठीक है, तो फर्स्ट वन है दमयंती, सेकंड वन है द्रौपदी, थर्ड है सीता और फोर्थ ऑप्शन है हमारा सुजाता। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर है हमारा सुजाता। 65 का है फोर्थ नंबर सुजाता। 66 नंबर का है महावीरा वॉज आ, ठीक है, महावीरा के लिए पूछा गया है कौन है, तो जैन मुनि, मुगल रूलर, थर्ड है राजपूत प्रिंस और फोर्थ है एन आर्टिस्ट। ठीक है, तो महावीर क्या है, महावीर है हमारे जैन मुनि। ठीक है, जैन बौद्ध संप्रदाय है वैसे ही जैन संप्रदाय, तो जैन मुनि का है। फिर है 67 नंबर का क्वेश्चन, जो भारत कला भवन है, भारत कला भवन इज इन, भारत कला भवन कहाँ पर है? ठीक है, भारत कला भवन कहाँ पर है? फर्स्ट वन है मद्रास, सेकंड कैलकटा, थर्ड है दिल्ली और फोर्थ है बनारस। तो भारत कला भवन कहाँ पे है हमारा, सबसे फेमस है बनारस। ठीक है, भारत कला भवन हो गया हमारा बनारस में, और कब स्थापित हुआ था, 1962 में। यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर लीजिए कि जो भारत कला भवन है और भारत भवन दो अलग अलग हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। जैसे भारत भवन है हमारा भोपाल में और भारत कला भवन है हमारा वाराणसी में, बनारस में। ठीक है, फिर 68 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द पाल स्कूल फ्लोरिस्ट इन, पाल स्कूल कहाँ पर उसकी उन्नति हुई थी, कहाँ पे प्रसिद्ध था? तो नॉर्थ इंडिया, सेकंड है साउथ इंडिया, थर्ड है ईस्ट इंडिया और फोर्थ है सेंट्रल इंडिया। ठीक है, तो पाल स्कूल के लिए आपको पता है बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में फली फूली थी, तो क्या हो गया यहाँ पे, राइट आंसर हो गया हमारा ईस्ट इंडिया, पूर्वी भारत। ठीक है, फिर 69 नंबर का क्वेश्चन है हमारा अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर इज, अवलोकितेश्वर कौन है, बुद्धिस्ट गॉड, जैन गॉड, अ मिथिकल फिगर, नेम ऑफ अ बुक। ठीक है, तो इसमें भी मोस्टली बच्चों को पता होगा, तो जो अवलोकितेश्वर है वो हमारे क्या है, बुद्धिस्ट गॉड। ठीक है, फिर 70 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, दुर्गा किल्ड, ठीक है, दुर्गा किल्ड, अघासुर, कंस, महिषासुर और शेषनाग। ठीक, ये भी मोस्टली तो सभी बच्चों को पता होगा कि दुर्गा किल्ड महिषासुर। ठीक है, इससे रिलेटेड भी स्कल्पचर हमारे मेथोलॉजी में, इंडियन में और स्कल्पचर में बहुत जगह देखे गए हैं, पैनल में इसका बहुत मतलब अलग अलग हुआ है। पल्लव काल में भी जो चित्रकार वो दीवारों पे जो बने थे, वहाँ पे भी रिलीफ आकृतियों में दुर्गा का, महिषासुर का वध करते हुए देखा गया है, बनाया गया है। तो ठीक है, तो ये हो गया इसका राइट आंसर, थर्ड वाला महिषासुर। 71 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, खजुराहो इज इन, खजुराहो कहाँ पर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है खजुराहो कहाँ पर है। अब देखिए ऐसे घुमा के देता है, साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया। ठीक है, इसमें तो खजुराहो कहाँ है हमारा, एमपी में। ठीक है, और एमपी हो गया हमारा कहाँ पे, उत्तर भारत, सेंट्रल इंडिया। ठीक, सेंट्रल इंडिया मध्य में है ये, ठीक है, मध्य भारत। फिर है 72 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल इज कॉल्ड, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था टेम्पल आर्किटेक्चर की स्टाइल बहुत पूछी जाती है, हर एग्जाम में पूछी जाती है अलग अलग तरीके से। पूछा है कि जो नॉर्थ इंडिया टेम्पल है आर्किटेक्चर, वो किस तरीके का है, क्या कहा जाता है उसे। ठीक है, नागर, वेसर, द्रविड़ और विहारा। ठीक है, तो 72 नंबर का क्वेश्चन जो है उसका आंसर है हमारा नागर स्टाइल। जितने भी नॉर्थ इंडियन टेम्पल है, उत्तर भारत के मंदिर है, वो सब नागर स्टाइल में है। ठीक है, और जितने भी दक्षिण भारत के टेम्पल है मोस्टली वो सब द्रविड़ स्टाइल में है। ठीक है, नागर टेम्प, नागर स्टाइल में खजुराहो के टेम्पल हो गए, ठीक है, भुवनेश्वर का हो गया, तो और दशावतार मंदिर हो गया, तो ये सारे जो टेम्पल हैं वो सारे हैं हमारे नागर स्टाइल में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। फिर है कंदरिया महादेव टेम्पल इज एट, कंदरिया महादेव टेम्पल इज एट,
फर्स्ट है भुवनेश्वर, सेकंड है बिहार, थर्ड है एलोरा और फोर्थ है खजुराहो। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर तो ये कहाँ पे है हमारा, ये है हमारा खजुराहो में। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर शिव जी को समर्पित है, तो ये हमारा कहाँ पे हो गया, खजुराहो में। 74 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द सुल्तानगंज बुद्धा डेट्स टू। ठीक है, सुल्तानगंज के जो बुद्धा है उनकी डेट क्या है, मतलब किस सदी के हैं बने हुए। तो फर्स्ट है 3rd सेंचुरी BC, 4th सेंचुरी AD, 5th सेंचुरी AD और 5th सेंचुरी BC। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया जो सुल्तानगंज बुद्ध है, ये है हमारा लगभग 500 से 700 ईस्वी में। ठीक है, 500 से 700 ईस्वी में, तो ये हो गया हमारा 5th सेंचुरी AD। और ये कहाँ से है, बिहार में, और बिहार बिहार की है सुल्तानगंज बुद्धा। और इसमें क्या है कि जो यहाँ से प्राप्त हुई है बुद्ध की मूर्ति, वो इस समय का एक, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा, इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं कि ये जो है स्कल्पचर मिला है ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, इस समय कहाँ पे है प्रेजेंट में, तो ये है हमारा बर्मिंघम इंग्लैंड में, म्यूजियम में। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड वाला हो गया हमारा राइट आंसर। 75 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदाड़ो इज नोन फॉर इट। सबको पता होगा इसका आंसर भी। ठीक है, डांसिंग गर्ल स्कल्पचर, बराह स्कल्पचर, मिनिएचर पेंटिंग एंड मोनोलिथिक टेम्पल्स। तो फर्स्ट वन हो गया इसका राइट आंसर, डांसिंग गर्ल स्कल्पचर। ठीक है, और इसके लिए एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इसके लिए पूछा जाता है कि ये कहाँ सिचुएटेड है, तो ये कहाँ पे है, ये है म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट है। 76 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, डांसिंग शिवा इज नोन एज। ठीक है, डांसिंग शिवा जो है वो किस नाम से जाने जाते हैं, अनंत शयन, कल्याण सुंदरा, अर्धनारीश्वरा और नटराजा। ठीक है, तो ये भी पता होगा मोस्टली सभी बच्चों को, जो डांसिंग शिवा है किस रूप में, नटराज के रूप में। ठीक, फोर्थ वन हो गया इसका राइट आंसर। फिर है नेशनल म्यूजियम इज एट, नेशनल म्यूजियम कहाँ पर स्थित है। ठीक है, नेशनल म्यूजियम कहाँ पर स्थित है, तो ये भी पता है मोस्टली लोगों को, नेशनल म्यूजियम है हमारा न्यू दिल्ली में। ठीक है, 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, कई बार ये क्वेश्चन भी आता है, इम्पोर्टेंट है, 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर है 78 नंबर का क्वेश्चन हमारा, इंडियन म्यूजियम इज एट, इंडियन म्यूजियम पूछा है, एक नेशनल म्यूजियम पूछा है, फिर उसके बाद कौन सा है, इंडियन म्यूजियम। इंडियन म्यूजियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडियन म्यूजियम कहाँ पे है, तो इसमें राइट आंसर हो गया हमारा, इंडियन म्यूजियम है हमारा कैलकाटा में। ठीक है, राष्ट्रीय संग्रहालय है ये, और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये हमारी हुई थी 1814 में, 1814। ये दोनों भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल म्यूजियम इंडियन म्यूजियम के बारे में कई बार क्वेश्चन आया है, और ये किस सन में स्थापित हुआ था ये भी पूछा गया है। फिर है गरुड़ा इज द वाहना ऑफ, ठीक है, गरुड़ जो है वो वाहन किसके हैं, शिवा के, पार्वती के, कार्तिकेय के और विष्णु के। तो ये भी पता ही होगा सभी को, गरुड़ जो है वो किसके हैं, वाहन विष्णु भगवान के, तो राइट आंसर है यहाँ पे फोर्थ नंबर वाला, विष्णु। फिर है 80 नंबर का क्वेश्चन, कामदेवास कॉन्सर्ट इज, कामदेव जो है उनकी, मतलब कॉन्सर्ट मीन्स होता है कि वाइफ या पत्नी, कौन थी। फर्स्ट वन है मेनका, सेकंड है रंभा, थर्ड है केतकी और फोर्थ है रति। तो कामदेव की जो पत्नी थी उनका नाम था रति। ठीक, फोर्थ वन हो गया यहाँ पे राइट आंसर। फिर 81 नंबर पे चलते हैं, बुलंद दरवाजा इज एट। ठीक है, बुलंद दरवाजा पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग तरीके से, इस पे भी क्वेश्चन आए हैं, तो बुलंद दरवाजा कहाँ पे है, बुलंद दरवाजा है हमारा फतेहपुर सीकरी में। और इसके लिए भी दो तीन चीजें इम्पोर्टेंट है कि इसको डोर ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, अगर ऐसे भी आता है कि डोर ऑफ विक्ट्री किसे कहते हैं, तो डोर ऑफ विक्ट्री कहते हैं फतेहपुर सीकरी में जो स्थापित है बुलंद दरवाजा को, और किस सन में बना था, 1575 में। ठीक है, अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा, और इसको कहा जाता है कि ये सबसे
ऊंचा, मतलब सबसे ऊंचा द्वार है विश्व का, सबसे ऊंचा द्वार कौन सा है? बुलंद दरवाजा। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये किस पत्थर से बना है, रेड और रेड स्टोन और व्हाइट मार्बल का इसमें यूज हुआ है। तो इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, 82 नंबर पे चलते हैं हम। 82 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, शेर शाह मॉसोलियम इज, तो फर्स्ट नंबर का है दिल्ली, सेकंड है लाहौर, थर्ड है अम्बाला और फोर्थ है सासाराम। ठीक है, तो शेर शाह का मैसोलियम पूछा है, मींस मैसोलियम मींस होता है समाधि। शेर शाह की समाधि कहाँ पर है? तो शेर शाह की समाधि है हमारी सासाराम। ठीक है, बिहार में है सासाराम। और ये अगर इसका कई बार पूछता है कि ये किस स्टाइल में है, तो ये इंडो इस्लामिक। फिर है 83 नंबर पे, कुतुब मीनार वॉज बिल्ड अराउंड, कुतुब मीनार का टाइम पीरियड पूछा है कि किस समय पे ये बना था। ठीक, फर्स्ट है 1200 AD, 1500, 1600 BC एंड 1200 BC। तो फर्स्ट वन हो गया हमारा यहाँ पे 1200 AD। ठीक, फर्स्ट वाला हो गया हमारा राइट आंसर। ये पता होगा आप लोगों को, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत कराई थी, लगभग 73 मीटर ऊंची है, और कहाँ पर है ये? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में महरौली में। फिर इसके लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत कराई थी, और इसको किसने खत्म किया था? उसके दामाद इल्तुतमिश ने। तो किस सन में बनी थी? तो 1200 AD। फिर है 84 नंबर का, अलाई दरवाजा इज इन, अलाई दरवाजा कहाँ पर है? दिल्ली, लाहौर, अंबाला और सासाराम। अलाई दरवाजा का एक क्वेश्चन मैंने पार्ट वन में भी आपको पढ़ाया था, दूसरी तरीके से पूछा था। तो अलाई दरवाजा है हमारा दिल्ली में, ये कहाँ पे है? कुतुब मीनार का जो परिसर है उसी में ही बना हुआ है ये अलाई दरवाजा। ठीक, और ये इसका भी टाइम पीरियड आप लिख सकते हैं, ये बना था 1311 में। ठीक, अलाई दरवाजा को किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, अलाई दरवाजा को बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर है 85 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ताजमहल वॉज बिल्ट बाई, ताजमहल किसने बनवाया था? ये भी सभी को पता होगा। ठीक है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और हुमायूं। तो ताजमहल बनवाया था किसने? शाहजहां ने। ठीक, तो हो गया थर्ड वन इसका राइट आंसर। फिर है 86 नंबर का, हुमायूं वॉज द सन ऑफ, हुमायूं किसका बेटा था? तो हुमायूं बाबर, अकबर, शेरशाह सूरी और जहांगीर। तो हुमायूं किसका बेटा था? ये भी आपको लोग को पता ही होगा, हुमायूं था बाबर का बेटा। ठीक, फिर है 87 नंबर पे, अ स्कल्पचर डिपिक्टिंग द मैरिज ऑफ शिवा एंड पार्वती इज नोन एज, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि जो शिव और पार्वती के विवाह का जो स्कल्पचर है, मूर्ति होती है, वो किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, फर्स्ट है कल्याण सुंदरम, सेकेंड है अर्धनारीश्वर, थर्ड है अवलोकितेश्वर और फोर्थ है मृत्युंजय। ठीक है, तो जो शिव और पार्वती के जो विवाह की जो मूर्तियां हैं, वो हमारी किस नाम से जानी जाती हैं? कल्याण सुंदरम। ठीक, कल्याण सुंदरम नाम से जानी जाती है। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ कल्याण सुंदरम का, देखिए ये भारत कला भवन में है, संग्रहित है कल्याण सुंदरम की मूर्ति। कृष्ण, सॉरी, शिव और पार्वती के विवाह का जो प्रसंग होता है वो कहा जाता है कल्याण सुंदरम। ठीक, फिर है 88 नंबर का क्वेश्चन हमारा, मीनाक्षी टेम्पल इज एट, मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे है? पटना, मैसूर, बेंगलोर और मदुरई। ठीक है, तो मीनाक्षी टेम्पल है हमारा तमिलनाडु मदुरई में। ठीक है, फोर्थ वाला हो गया इसका आंसर, मदुरई में। मदुरई कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और इसको मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं, और मीनाक्षी पार्वती जी का ही एक रूप है, और सुंदरेश्वर शंकर जी का ही एक रूप माना गया है, तो इसलिए इसका नाम है पूरा मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल। ठीक है, 89 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग बिलोंग्स टू, कांगड़ा स्कूल पेंटिंग्स है बिलोंग करती है कहाँ से? ठीक है, राजस्थानी स्कूल, पहाड़ी स्कूल, फिर है डक्कन स्कूल और बंगाली स्कूल। तो क्या हो गया इस पे कांगड़ा स्कूल के लिए? कांगड़ा स्कूल की जो पेंटिंग है कहाँ से? पहाड़ी स्कूल से। राइट आंसर हो गया हमारा इसका, कांगड़ा
पहाड़ी स्कूल। फिर 90 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, एक कल्प सूत्र मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स आर। ठीक है, कल्प सूत्र जो है मैन्युस्क्रिप्ट, वो उसकी पेंटिंग्स किस में बनी है, तो किस में बनी है वो, जैन, बुद्धिस्ट, इस्लामिक और हिंदू। ठीक, तो राइट है यहाँ पे हमारा जैन, जैन शैली में। फिर है चोला पीरियड वाज नोन फॉर इट्स, चोल पीरियड जो है हमारा किस रूप में जाना जाता है, ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, वुडन स्कल्पचर, टेराकोटा फिगर्स और आइवोरी स्कल्पचर्स। ठीक है, तो जो चोल पीरियड है उसको हम ब्रॉन्ज स्कल्पचर के नाम से भी जानते हैं, सबसे ज्यादा ब्रॉन्ज स्कल्पचर बने थे इस पीरियड में। फिर है अकबर्स टॉम्ब इज एट, अकबर का समाधि कहाँ पे है टॉम्ब, दिल्ली, पिंजौर, सिकंदरा और सासाराम। तो अकबर का है हमारा सिकंदरा में। 93 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, पेत्रे दूरा इज डन विद, पेत्रे दूरा ये स्कल्पचर की ही एक टेक्निक है, वुड में की जाती है, मेटल में की जाती है, प्रीसियस स्टोन फॉर्म ऑफ एम्ब्रॉयडरी, ये पूछा गया है, तो इसका राइट है आंसर प्रीसियस स्टोन, पेत्रे दूरा। फिर 94 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, रावण शेकिंग माउंट कैलासा इज फ्रॉम। ठीक, महाबलीपुरम, एलिफेंटा, एलोरा और मदुरई, ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्टली बच्चों को इसका आंसर भी पता होगा। और ये कहाँ पे है रावण शेकिंग माउंट कैलास, ये है हमारा एलोरा में। ठीक है, महाराष्ट्र में जो है औरंगाबाद में, एलोरा में। फिर है किरातार्जुनियम पैनल इज एट, किरातार्जुनियम पैनल इज एट, कहाँ पर ये पैनल है, महाबलीपुरम, एलिफेंटा, एलोरा और मदुरई। ठीक, तो किरातार्जुनियम पैनल है हमारा महाबलीपुरम में। ठीक, महाबलीपुरम के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में भी अपने दिखाया था, मंकी स्कल्पचर के बारे में भी पूछा जाता है, और वहाँ पे जो महाबलीपुरम में फेमस है गंगा अवतरण का, जो उसमें ही ये अलग अलग पैनल बने हैं और उसमें ये देखा गया है। ठीक है, एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, और ये महाबलीपुरम में जो गंगा अवतरण वाला बताया था मैंने, इसी में बना हुआ है। ठीक है, इसी पैनल पे बना हुआ रिलीफ है, और इसकी कहानी है कि जो ये महाभारत से रिलेटेड है, कि उनको क्या बोलते हैं, अर्जुन को भगवान शंकर ने, तो अर्जुन ने भगवान शंकर की जब वो की थी, तपस्या करी थी, तो उन्होंने वो अपना एक क्या बोलते हैं वो होता है ना आयुध, वो दिया था उससे, उसी के ऊपर ये बेसिकली कहानी है, और उसी का जो चित्रण है ये वहाँ पे मिला है। तो ये कहाँ पे है हमारा, महाबलीपुरम में। ठीक है, फिर 56 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, अल्तामीरा केव्स इन फ्रांस आर नोन फॉर। ठीक है, अल्तामीरा की जो गुफाएं हैं फ्रांस में, वो किस रूप से जानी जाती हैं फ्रेंड, ये अल्तामीरा गुफाओं पे मैंने डिटेल वीडियोस बनाए हुए हैं, और उस पे मैंने आपको बताया हुआ है अल्तामीरा गुफाओं के बारे में, यूरोप की प्री हिस्टोरिक केव्स के बारे में कि उनको क्या बोलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन वहीं से भी आया हुआ है, प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स, ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स, फिगर ऑफ डांसिंग निम्फेट्स, ठीक है, नन ऑफ द एबव। तो अल्तामीरा गुफाएं जो है वो क्या है, यूरोप फ्रांस की प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स। ठीक, और ये किस में आती हैं, ये फ्रेंको कैंटाब्रियन क्षेत्र के अंतर्गत गुफाएं आती हैं। फिर है, और अगर आपने मेरे ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उस पर मैंने अल्तामीरा पे और भी गुफाओं पे डिटेल वीडियोस बना रखे हैं, आप उससे पढ़ सकते हैं। 97 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द डेथ ऑफ बुद्धा इज टर्म्ड एज, जो बुद्ध की डेथ का है जो कथा है वो किस रूप में जानी जाती है, मायावी, योगिंद्रा, अनंतशयना और महापरिनिर्वाणा। ठीक है, तो ये हमारी किस नाम से जानी जाती है, बुद्ध की जो डेथ है वो है जानी जाती है महापरिनिर्वाण। ठीक, फिर 98 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, प्रतिमा लक्षणा, प्रतिमा लक्षणा इज अ सेक्शन फ्रॉम द, प्रतिमा लक्षण किसका सेक्शन है, किसका एक भाग है, अलग अलग ग्रंथ दिए हैं, मानसोल्लास,
कामसूत्र, विष्णु धर्मोत्तर और नाट्य शास्त्र। ठीक, तो जो ये हमारा प्रतिमा लक्षण है वो किसका है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण का ही एक भाग है प्रतिमा लक्षण। फिर है 99 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द रॉक गार्डन इज एट चंडीगढ़ वॉज डिजाइंड बाई, जो चंडीगढ़ में रॉक गार्डन बना है उसका डिजाइन किसने किया है? रूपचंद, नेकचंद, MS रंधावा या राम किंकर बैज। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में कई बार आता है पेपर में। तो ये क्या है कि ये बेसिकली जो रॉक गार्डन है ये एक स्कल्पचर गार्डन है। ठीक, ये देखिए इसके कुछ अंदर की पिक्चर दिखाते हैं। ये एक स्कल्पचर गार्डन है और ये मतलब कई बार इसके लिए पूछा जाता है कि ये किस लेक के पास है, तो ये है सुखना लेक है वहाँ पे पास में, उसके पास है। और इसके लिए कहते हैं कि ये सारा जितने भी वेस्ट चीजें होती हैं जैसे बैंगल्स है, ग्लास है और टाइल्स है, इन सारी जो वेस्ट चीजें होती हैं इनसे ही बने हुए हैं। वहाँ पे जितने भी फिगर वगैरह बने, इसके अंदर डॉल म्यूजियम भी है, ये देखिए सारा वेस्ट चीजों से बनाया हुआ है इन्होंने अलग अलग टाइल्स से। ठीक, ये देखिए, तो ये सारी चीजें कहाँ पे हैं? ये है रॉक गार्डन के अंतर्गत अंदर। और ये किसने बनवाई थी? नेकचंद ने, और बहुत ही खूबसूरत है ये। ठीक, फिर लास्ट है हमारा, द आर्ट ऑफ गांधार वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई इजिप्टियन आर्ट, मेसोपोटामियन आर्ट, बाइजेंटाइन आर्ट और ग्रीक रोमन आर्ट। तो इसके लिए भी गांधार आर्ट जो थी वो हमारी किसका प्रभाव था उस पे? तो जो गांधार आर्ट थी हमारी उस पे था ग्रीक रोमन प्रभाव। तो ये हो गया फोर्थ वाला इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के 50 और क्वेश्चन, तो अब हमारे टोटल 100 क्वेश्चन हो गए हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसके आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको अगर इस टाइप के ही क्वेश्चंस चाहिए, पुराने पेपर चाहिए, तो मैं वो आपको अलग अलग सॉल्व कराऊंगी। और इसके अलावा भी मैं एक टेस्ट सीरीज भी शुरू कर रही हूँ साथ ही साथ, क्योंकि अब बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं जिसमें DSSSB का और LT का, UPTGT, PGT का, तो मैं एक कॉमन सेट लेके आऊंगी जो सारे पेपर कवर कर लेगा। सारे ही पेपर में जो मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अलग अलग तरीके से आते हैं, जैसे एस्थेटिक के भी आएंगे, इंडियन आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जिसमें कि मॉडर्न जो इधर कंटेम्प्रेरी आर्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं अच्छे, तो वो सारे क्वेश्चन मैं अलग अलग करके अब आपको आपके लिए लेके आऊंगी। और इसके अलावा भी आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे वो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और आप मुझे बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में।